हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस के न्यू लॉन्च कुकवेयर के बारे में, जो कि डाईकास्ट का होता है। डाईकास्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे इस चैनल में लखनऊ लोकल्स में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी हर एक कुकवेयर के बारे में, किस ब्रांड ने क्या चीज़ नई लॉन्च करी है, कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट हेल्दी हाइजीनिक है और वर्थ फॉर बाइंग है। और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमारे चैनल में आपने कुकवेयर्स की वीडियो देख रखी है तो आपको किसी भी दूसरी वीडियो को रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाते हैं उसका बाय लिंक इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आपको इधर उधर या कहीं मार्केट में या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वीडियो देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट आपके किचन के पर्पज से अच्छा लगता है तो उसको इसी वीडियो के नीचे बाय लिंक से जाके आप खरीद भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हॉकिंस का जो ग्रिल पैन है ये काफी डिमांडेड था, क्योंकि काफी बेहतर ब्रांड्स में इस टाइप का प्रोडक्ट्स नहीं आते थे और हॉकिंस ने निकाला है इसको अपनी डाईकास्ट की रेंज में। मैं आपको बता दूं कि यहां पे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जब सामने प्रोडक्ट आता है तो 10 चीजें आपको और बेहतर तरीके से जानने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हॉकिंस का देखिए यहाँ पे टैग लगा होता है, जिसको ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमने कर लिया है ओपन। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं बॉक्स पैकेजिंग की बात करूँ कि अंदर की तरफ से हॉकिंस हमेशा से एक बेहतरीन पैकेजिंग देता है। ये हैंडल कवर है, इसको हटा लेते हैं और हैंडल और पूरे विद लिड के साथ पूरी पैकेजिंग निकाल लेते हैं। पैकेजिंग निकालने के बाद बहुत सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, जिसको अभी आगे मैं वीडियो में भी बताऊंगा कि ये जो ग्रिल पैन है ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सिरेमिक, हेलोजन सब में यूज हो जाता है। मगर अभी मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगा, काफी प्रोज भी हैं और काफी कॉन्स भी हैं इसमें। तो अच्छाई बुराई दोनों चीजें इस वीडियो में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई जाएंगी, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि ये आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी लिड निकाल लेते हैं। लिड यहाँ पे दी होती है जिसमें इस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग होती है, तो जरा सा इसको हटा लेते हैं। और अगर मैं डायामीटर की बात करता हूँ तो ये 30 सेंटीमीटर के डायामीटर के साथ आती है। अगर मैं आपको लिड की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर शेप में आपको लिड मिलती है, काफी यूनिक लिड है और ग्रिल पैन की ऐसी लिड मेरे हिसाब से सिर्फ इस समय हॉकिंस ही दे रहा है। हॉकिंस की ब्रांडिंग है, अच्छे वेट में है और मैं आपको बता दूं जो इन्होंने फिनिशिंग दे रखी है वो आउटस्टैंडिंग है। साइड में आपको मिल जाती है मेटल की बार्स जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्लास को कवर करके और सपोर्ट करके रखती हैं। ऊपर की तरफ से हॉकिंस की ब्रांडिंग के साथ बैकेलाइट का हैंडल है, जो कि नीचे से बेहतरीन तरीके से स्क्रू से टाइट किया गया है। इसको जरा रख देते हैं साइड में और आपको दिखा देते हैं इसके साथ मिलने वाला वुडन स्पैचुला। हॉकिंस का वही बहुत पुराने समय से आने वाला स्पैचुला है, जो कि बहुत लाइट वेटेड होता है, इसको ड्यूरेबल भी कह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट ये है कि हाँ काम चलाओ ये हो सकता है। पहले के मुकाबले थिकनेस इसमें अब ज्यादा देने लगे हैं, पहले काफी हल्के आते थे बट अब मैं ये देख रहा हूं कि काफी ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का हॉकिंस देने लगा है, जो कि अच्छी चीज है। बहुत ही लाइट वेटेड है, अच्छी क्वालिटी का है, मगर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ग्रिल पैन की, तो ग्रिल पैन को सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लेते हैं। ये आपका ग्रिल पैन का फर्स्ट लुक है। यहाँ पे आपको दो तीन पेपर वर्क्स मिल जाएंगे वॉश करने के लिए। इस टाइप का कोई भी नॉनस्टिक आपके पास है तो वॉश करने के लिए इस टाइप का स्क्रबर काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इससे ना स्क्रैचेज आते हैं ना आपकी कोटिंग ख़राब होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आपको बहुत सस्ता मिलता है और कहीं से भी अगर आपको लेना, क्योंकि अगर आप नॉनस्टिक क्लीन कर रहे हैं तो स्क्रॉच ब्राइट से बेहतर ऑप्शन इस टाइप के वूल्स होते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रिल पैन की। तो यहाँ पर आपको ग्रिल पैन के यूजर मैनुअल मिल सकते हैं, कॉशंस मिल सकते हैं, ये जरूर पढ़िएगा, काफी बेहतर जानकारी इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद यहां पे नीचे निकालते हैं तो यहां पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिलती हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें रेसिपी बुकलेट भी यही होती है, काफी बेहतरीन रेसिपीज ये बना के देते हैं। और यहां पे आपको मिल जाता है गारंटी कार्ड, जिसमें ये दे देते हैं गारंटी आपको 2 ईयर्स की, 2 साल की गारंटी देते हैं। वारंटी नहीं है, गारंटी कार्ड है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके यहां पे दी हुई है। और यहां पे आपको मिल जाता है हॉकिंस कुकवेयर का एड्रेस,
तो इसको जरा हटा देते हैं और सबसे पहले इसके बाद ग्रिल पैन की बुकलेट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कुकवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं ग्रिल पैन की बात करता हूं तो इसका जो स्ट्रक्चर दिया है लाजवाब दिया हुआ है। दो तीन बातें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, काफी सारे ग्रिल पैन मैंने देखे हैं जिसमें ग्रिलिंग लाइंस जो होती हैं बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, बट यहां पे आपको देखने को मिलेगी जो ग्रिलिंग लाइंस हैं वो एक अच्छी बेहतर क्वालिटी के साथ साथ एक बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रिलिंग टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ग्रिलिंग टेक्सचर से मेरा ये मतलब है कि जैसे कि यहां पे आपको हॉकिंग से दिखा रखा है, ये देखिए अगर इस टाइप से आप पनीर टिक्का बनाते हैं तो यहां पे ग्रिलिंग लाइंस बहुत प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी, तो ये चीज काफी बेहतर दी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके डायामीटर की, जो इसका डायामीटर है, डायामीटर की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 30 सेंटीमीटर का, जो कि एक बेहतरीन साइज का है। अब बात करते हैं डाइकास्ट मटेरियल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डाइकास्ट ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मेटल को पूरी तरीके से गला दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, फिर मोल्डेड स्ट्रक्चर में इसको कास्ट किया जाता है। देखिए यहां से कहीं भी इसमें आपको जॉइंट नहीं मिलेगा, पूरा यहां से लेके यहां तक जहां तक हॉकिंग्स लिखा हुआ है ये प्रॉपर सिंगल मेटल है। और यहां पे देखिए सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। आज इस वीडियो में मैं अच्छाइयां भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हॉकिंस को इम्प्रूव करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। तो हॉकिंस के यहाँ पे ग्रिल पैन दिया है, डाइकास्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले लाइन में इन्होंने दिया है एक्स्ट्रा थिक प्रेशर डाइकास्ट बॉडी, मतलब ये जो पूरी बॉडी कुकिंग बॉडी दी हुई है ये डाइकास्ट से बनाई गई है। अब आप समझ गए होंगे, गला के दोबारा मेटल को बहुत अच्छी तरीके से कास्ट किया जाता है, जिससे जहां पे थिकनेस अच्छी चाहिए वहां थिकनेस अच्छी मिलती है। और सबसे अच्छी चीज है इस टाइप के मेटल जो होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से हीट होते हैं, यूनिफॉर्म हीट होते हैं, जो कि काफी अच्छे कुकवेयर माने जाते हैं। अब यहां पे 2 ईयर्स वारंटी मिलती है 3 कोट नॉनस्टिक की। अब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि इसमें कोटिंग कौन कौन सी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक PFOA करके केमिकल आता है जो इसमें यूज नहीं किया गया है इसकी कोटिंग में, और ये अंदर की तरफ से नॉनस्टिक कोटिंग होती है। बिल्कुल डाउट में ना रखिएगा, क्योंकि हॉकिंग्स ने यहां पे सेरेमिक वर्ड यूज कर रखा है। देखिए हाई टेक सेरेमिक कोटिंग आउटसाइड, तो ध्यान रखिएगा इसमें इनर सर्फेस जो दी है वो PFOA फ्री अच्छी नॉनस्टिक की कोटिंग दी हुई है, मगर बाहर की तरफ से आपको सेरेमिक कोटिंग दी हुई है। काफी लोगों को डाउट रहता है सेरेमिक लिखा हुआ है तो मतलब कंप्लीट कोटिंग सेरेमिक की होगी, ऐसा नहीं है। बाहर की कोटिंग आपको सेरेमिक की दी हुई है, अंदर की कोटिंग जो है वो नॉनस्टिक दी हुई है। हैंडल आपको हॉकिंग्स का बैकेलाइट का दिया है जो कि यहां से स्क्रू से टाइट है, मगर यहां तक का पूरा मेटल जो दिया हुआ है वो है डाइकास्ट। अब ये कौन कौन से कुकटॉप में चल सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। यहां पे ये चल जाएगा आपके गैस स्टोव में, हीटर में, हॉट प्लेट में नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये इंडक्शन बॉटम नहीं है। ये सबसे बड़ी मुझे कमी लगी इस पैन की कि अगर आपने ग्रिल पैन बनाया है, क्योंकि इसके अगर मैं कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स में देखूं तो आपको नीचे की तरफ से मिल जाता है इंडक्शन बॉटम, बट ये जो हॉकिंग्स का पैन है ये इंडक्शन बॉटम है। हालांकि क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, परफॉर्मेंस भी इसकी मैं कह सकता हूं कि लाजवाब होगी। और दूसरी चीज मैं बताऊं, बस एक यहां पे हमें रहता है क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड होती है आजकल इंडक्शन बॉटम की, और साथ ही साथ वो यूज हो जाता है हॉट प्लेट में, तो अब्रॉड में ले जाना भी लोगों के लिए आसान रहता है क्योंकि इंडियन कुकवेयर्स काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी के होते हैं, नो डाउट। तो यहां पे आपको जो एक मुझे सबसे बड़ी कमी इसकी लगी ये लगी कि यहां पे आपको इंडक्शन बॉटम नहीं मिलता है, यहां पे मिलता है कि आप हीटर में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले में यूज कर सकते हैं, सेरेमिक हेलोजन में यूज कर सकते हैं। तो एक ये चीज इसमें ऐसी दी हुई है जो कि इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। अब यहां पे हम बात करते हैं लिड के साथ पैन की। अगर हम पूरा एक कंप्लीट लुक आपको दिखाएं ग्रिलिंग पैन का तो यहां पे ये है। अब यहां पे साइड में पोरिंग के लिए काफी अच्छे नॉच दी हुई है, और ये सिंगल साइडेड नहीं है, ये डबल साइडेड दी है, मतलब नॉच यहां पे भी दी हुई है और यहां पे भी दी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहां से स्टीम भी इवेपोरेट होती रहेगी और खाना और जो भी ग्रिल कर रहे हैं वो अच्छे टेक्सचर में होगा। अब एक बार मैं इसका 360 डिग्री व्यू आपको दिखा देता हूं कि ये कंप्लीट ग्रिल पैन आपको विद लिड देखने में इस तरीके से लगेगा। चारों तरफ से अगर मैं ग्रिल पैन दिखाऊं, फिनिशिंग मैं बता तो रहा हूं कि लाजवाब फिनिशिंग के साथ है। और इसको जरा हटा लेते हैं लिड को, और यहां पे ग्रिलिंग लाइंस और ज्यादा डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूं।
ये देखिए, इसका अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी बेहतर क्वालिटी का है और कहीं भी इसमें एल्यूमिनियम नहीं दिख रहा होगा आपको। ये कम्प्लीटली डाईकास्ट कर दिया गया है और बाहर की तरफ से रेड कलर की आपको सिरेमिक दी हुई है, अंदर आपको ये जो आपके लिए नॉनस्टिक कोटिंग दी हुई, तो काफी बेहतर डाईकास्ट है। एक चीज और मैं बता दूं कि इस कुकवेयर में जो हॉकिंग्स का डाईकास्ट का कुकवेयर है उसमें तीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं हॉकिंग्स ने। एक अभी नया लॉन्च किया है ग्रिल पैन, इससे पहले अप्पे पैन भी हॉकिंग्स ने लॉन्च किया जो कि लाजवाब क्वालिटी का है, और फिर एक और है इनका फ्राई पैन भी इन्होंने लॉन्च कर दिया जिसको बहुत जल्दी हम अनबॉक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हॉकिंग्स के ग्रिल पैन डाईकास्ट विद लेड 30 सेंटीमीटर के इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की। ये मैनुअल जरूर पढ़िएगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, इसमें आपको रेसिपीज मिल जाती हैं और रेसिपीज में एक एक डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। अब जैसे कि यहां पर जितनी भी मैंने जानकारी आपको दी है उसमें एक आध जानकारी और बता दूं कि ये जो टफेन ग्लास है आपको 4 mm थिक है, मतलब ये जो ग्लास आपको दिया है ये 4 mm की थिकनेस में दिया हुआ है जो कि एक काफी अच्छा माना जा सकता है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी रेसिपीज इसमें आप बना सकते हैं जिसकी गाइडेंस एक बार अच्छे से ले लेंगे तो आपको कुकिंग करने में आसान रहेगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1975 रुपए की प्राइसिंग है, 1975 रुपीस की प्राइसिंग है। अगर आप नीचे दिए हुए बाय लिंक में लेंगे तो आई थिंक ये 1930 के आसपास में आपको पड़ जाएगा। हालांकि आप जानते ही होंगे कि हॉकिंग्स में मैक्स टू मैक्स आपको 10% 5% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है, तो उसके लिए कि हॉकिंग्स की प्राइसिंग बहुत जेन्युइन होती है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो प्राइसिंग बहुत जेन्युइन है, बहुत बिल्कुल भी ओवर रेट नहीं इन्होंने दे रखा है। बस एक जो मुझे कमी लगी वो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडक्शन बॉटम नहीं है। अब जरा एक काम करते हैं, इसको जरा सा वेट करके भी देख लेते हैं क्योंकि जनरली वेट भी जरूरी होता है कि आखिर इसका वजन कितना है। तो विदाउट लिड और विद लिड दोनों वजन करेंगे, तो यहां पे देखिए 0 आ चुका है और यहां पे अप्रोक्सीमेटली वेट जो इसका आएगा वो लगभग 1 kg 25 grams का है। और लिड के साथ अगर इसका वजन कर देते हैं तो यहां पे आपको मिलता है 1 kg 736 grams, मतलब लिड ही 700 ग्राम्स के आसपास की है और जो पैन है वो लगभग 1 kg के आसपास का है। तो एक ठीक ठाक मुझे लगा इसमें कि आपको काफी बेहतर वेट का ये मिल जाएगा जिसमें हीट भी काफी देर तक रिटेन रहेगी। तो अगर और भी कोई डिटेल, अगर जानकारी किसी कुकवेयर के बारे में आपको चाहिए हो तो लखनऊ लोकल्स को आज ही सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको अपने किचन में इंट्रोड्यूस करने के लिए बेहतर कुकवेयर की जानकारी डिटेल में और श्योर शॉट मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।